लखनऊ से खबर, जहां आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने का मामला, जिसमें धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार हो चुका है। पुद्दुकोदी जिले का राज मोहम्मद है आरोपी। तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस की जानकारी पर यह गिरफ्तारी हुई है। राज ने यूपी में 2 जगहों पर ब्लास्ट की धमकी दी थी, कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस आरोपी राज मोहम्मद को पकड़ लिया है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की जानकारी पर ही यह गिरफ्तारी की गई। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, एक पोस्ट भेजा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की है। आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने वाले को अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मणि जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 507 और 66 FIDR के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जो जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी, और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुद्दुकोट्टई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केशव मौर्य का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है, इनको पकड़कर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।